हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके ही चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जब सब्ज़ी लेके आई थी, एक दो दिन पहले, तो मैं हरी मिर्ची भी लेके आई थी खूब सारी। तो जब मार्केट में जाते हैं सब, मुझे हरी मिर्ची दिखती है ना हरी हरी, तो मेरा बहुत मन लल जाता है इनको देख के, तो मैं ले लेती हूँ। वैसे हम खा नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन लेती मैं ज़रूर हूँ। और मुझे खाने वाने के साथ, जैसे लंच डिनर के साथ ना, हरी मिर्च खाना पसंद है। चाहे मतलब मिर्ची लग जाए, हिचकी लगने लगती है मुझे तो मिर्ची जब मुझे लगती है ना, तो मुझे बहुत हिचकियाँ लगती हैं, पर फिर भी मैं खाती ज़रूर हूँ। तो बहुत मतलब एकदम हरी हरी मिर्ची देख के तो मेरा तो मन डल जाता है, और मैं लेके आई हूँ खूब सारी। तो आज का जो ब्लॉग है ना, वो एकदम स्पाइसी होने वाला है हमारा। तो पूरे एंड तक देखिए वीडियो, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, हेल्पफुल यूज़फुल वीडियो है, तो बने रहिए। आपने पी लिया क्या था उसमें? पता नहीं, कसों ने कुछ डाला होगा नीचे से, उठा उठा के पानी में आप गटक गए। नहीं, गिलास में थोड़ी, बोतल में से निकाला मैंने। बोतल में कुछ नहीं था, मुझे अजीब सा टेस्ट लगा, मैं थोड़ा सा पीछे चला गया। आज के साथ ही ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, आपको एक बात बताओ, एक दिन हमने खीरे रखे थे फ्रिज पे, दो स्लाइस काट के फ्रिज में रखे थे, और ये आए, इन्होंने फ्रिज खोला, इनको दिखे कि दो स्लाइस फ्रिज खीरा काट के रखे हुए, इन्होंने टपाटप खा लिए। और बाद में इनको पता चला कि वो हमने हमने आग पे रख के फिर जाके फ्रिज में रखे हुए थे और ठंडे करने के लिए। तभी कह रहे, मुझे तभी लगा कि स्वाद कैसा हो रहा है इसका जीप सा। तो मैंने कहा आइंदा से अब ये जो फ्रिज में जैसे खीरा वैसा कटा रहेगा। बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। खुशी बनाने वाली है ओरियो आइसक्रीम, यहाँ पे मिल्क निकाल दिया है। तो आज खुशी की रेसिपी शेयर होगी। वैसे तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ, मैं तो पॉप्सिकल मोल्ड है, तो उससे जो मेरे मन करे जैसे लगे वैसे। हाँ, वैसे ही कुछ क्योंकि ओरियो की हर चीज से अच्छी लगती है। इनको ओरियो बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है, हमें नहीं है, पर हमें आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ओरियोस ले लिए हैं और इनको आप क्रश करते हैं। मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची का थेचा। हरी हरी मिर्ची देख के मन कर रहा मेरा कि मैं इनका थेचा बनाऊं, तो मैं इनका थेचा बनाने वाली हूँ। ज्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो खाने वाले नहीं है, हम भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मिर्ची खा नहीं पाते ज्यादा, थोड़ा सा मौका स्वाद चेंज करने के लिए। आज हमारी नाइट होने वाली है एकदम धमाकेदार, नाइट का डिनर होने वाला है एकदम धमाकेदार, यानी कि मिर्ची का खींचा बन रहा है और मिर्ची की सब्जी भी बन रही है। मिर्ची की सब्जी कौन मिर्ची होगी? मिर्ची की सब्जी मतलब वो ऐसे नहीं है कि सब्जी है, वो मतलब सब्जी की तरह बनेगी, लेकिन उसको हम अपना खाने के साथ अपना खाने का जायका बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं आराम से। अरे बेटू, आपको थोड़ी खिलाना है, हम तो अपने लिए बना रहे हैं, बाकी डिनर बनेगा अभी। ये तो वो उसके लिए बना, जैसे प्लेट होती है ना डिनर की प्लेट, उसमें साइड में रखने के लिए अचार के साथ, साइड डिश बोल सकते हैं। यू आर राइट, तो साइड डिश बन रही है आज हमारी दो थेचा, मिर्ची का थेचा और मिर्ची की सब्जी। और मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए आज हमने एक स्पेशल एक किसी मास्टर सेफ को बुलाया है, तो वो अभी आएंगे, अभी वो थोड़ा सा किसी कारण से बिजी चल रहे हैं, तो अभी आएंगे वो। तब तक उन्होंने बोला है कि आप तैयारी करके रखो, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और इधर हमारा दूसरा मास्टर सेफ,
आइसक्रीम बनाना बना रहा है। तो आज हमारे किचन में तीखा मीठा सब कुछ, चीनी मिक्स करने के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रहे हैं वो, और उन्होंने यहाँ पे ये कर लिया है, क्रश कर लिया है ओरियो। ये मैंने फॉर्क से ही किया है ताकि क्रम्बल्स भी रहे तो मजा आएगा खाने के पिछले कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो यहाँ पे दूध पहले गर्म किया गया, इसमें चीनी डाली गई ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अभी दूध जब ठंडा होगा फिर हम उसको उसमें डालेंगे जो क्रश किए हुए ना, और ये उसमें डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोको पाउडर ताकि और थोड़ा चॉकलेटी लगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि कड़वा भी होता है। तो ये आपकी रेसिपी है? यस, कह सकते हैं सब, क्योंकि मैंने कहीं देखी नहीं है। यस, खुशी को ऐसी चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, जैसे कि केक्स, आइसक्रीम, सैंडविचेस, पास्ता, ऐसी छोटी छोटी मतलब दाल चावल नहीं। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहती है, अब बनाती भी नहीं है। एक दिन मैं दिखाऊंगी खुशी की रोटियां आपको कैसे बनती है। बस इंटरेस्ट है इसको तो ऐसी चीज़ों में, चाइनीज वगैरह ऐसी चीज़ों में, और अच्छा भी बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है, पास्ता वगैरह फुल मेहनत कर देती है उसमें। तो मैं तो बहुत बार बोलती हूँ खुशी प्लीज़ पास्ता बना दो। और पापा को पसंद है मेरे हाथ का सैंडविच पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच। हाँ, सो अब यहाँ पे करेंगे दूध, मिल्क ऐड करते हैं। सारा मिल्क ऐड कर देंगे अब। इसमें ओरियो के पीसेस भी हैं बहुत सारे, अभी थोड़ा पानी पानी लग रहा होगा बट जब पॉप्सिकल बनके रेडी होगा तो मस्त लगेगा। पॉप्सिकल स्टैंड, इसमें इसको ट्रांसफर करते हैं। बस अब इसको फ्रीजर पे रख देंगे। तो हमारे पॉप्सिकल्स अभी फ्रीजर में जाएंगी और इनको अभी बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब समथिंग लाइक एक दिन लगेगा। ये ट्रिक होती है आटा डालने की, ऐसे कर पूरे में किनारे किनारे से। थेचा बनाने के लिए मैंने ले ली है कच्ची मूंगफली, कितना सारा आटा है इसमें, तो कच्ची मूंगफली ले ली है, थोड़े से लहसुन ले लिए हैं, और मिर्ची और नमक और थोड़ा सा एक चम्मच तेल बस। तो यहाँ पे ले ली है मैंने हरी हरी मिर्ची, चार मिर्ची है ये डाल देंगे, ये डाल दिए मूंगफली, ये डाल दिए मैंने इसमें लहसुन, चम्मच और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच के करीब जीरा और नमक, बन चुका है, सब्जी बनेगी, मिर्ची की सब्जी बनेगी, और अभी मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है, इसको मैं लाल एकदम ब्राउन होने तक, जब तक बेसन का कलर चेंज नहीं होता तब तक, और हलवा ना ये बेसन वाला जो हलवा बनता है हमारा, ये एकदम
वैसा बनता है, लिक्विड ही बनता है, हलवा जैसा नहीं बनता, जैसे होता है ना सूजी का हलवा वैसे लिक्विड ही पसंद है बच्चों को। अगर मैं रायता बनाऊंगी ना सूखा वाला तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, तो इसमें मैं लिक्विड के लिए दूध डालती हूँ, दूध वाला हलवा कह सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको भून के अच्छे से फिर इसमें दूध डालती हूँ। तो अब बनेगी मिर्ची की सब्जी। तो देखिए यहाँ पे तवा रख लिया है, इसमें ही जखे और भांग का तड़का लगाया है, आप राई के दानों का भी लगा सकते हैं। और बस एक दो मिनट तक भूनना है मिर्ची को, और इसमें बस सिर्फ नमक पड़ेगा स्वाद अनुसार, और बस ये तैयार हो जाती है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी होती है, ये लगती है खाने में। और बस यहाँ पे देखिए डिनर की थाली तैयार हो गई। सिंपल सी दाल है एक, और मिर्ची का ठेचा है, और मिर्ची की सब्जी है, और साथ में बेसन का हलवा है। बेसन का हलवा दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए बेसन का हलवा भी बनाया। और मतलब एकदम सिंपल सी थाली है, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि साथ में साइड डिश भी है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किचन के सारे काम हो चुके हैं, डिनर वनर हो गया है, और हमारा सारे काम हो गए हैं। बस अब हम जा रहे हैं छत पे वॉक करने। तो आप सबको पता होगा कि हम डिनर के बाद डेली छत पे वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हम आधा घंटा तो करते ही करते वॉक हैं, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट तो हम करते ही करते हैं। और बस अभी जाएंगे, टाइम 10 बज चुके हैं, तो आज हम ज़्यादा नहीं बस 10-15 मिनट वॉक करेंगे, फिर हम सो जाएंगे वॉक करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए सबको गुड नाइट।